हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.7 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आपको मैं पहले बुक दिखा देता हूँ वो कौन सा सॉल्यूशन सॉल्व करना है। तो हमको जो है एक्सरसाइज 5.7 को आज हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको मैं पूरा क्वेश्चन कम्प्लीट करा दूँगा। आप मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठिए और वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोई भी बोर्ड वाले हैं, क्लास ट्वेल्थ के हैं, कोई भी बोर्ड CG CBSE UP जो भी है आपका, आप सभी ये वीडियो को देख सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x² + 3x + 2। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए आप। फिर सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ मैं। पहले आपको क्या करना है, वाई मान लेना है, x² + 3x + 2। लेट y इज इक्वल टू x² + 3x + 2। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। हमको डबल डिफरेंशिएशन करना है, मतलब हमको फाइंड क्या करना है, dy² / dx² ये हमको फाइंड करना है। तो हमको पहले सिंगल करना पड़ेगा, फिर डबल करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, इसको क्या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, वाई का क्या होता है, dy/dx इज इक्वल टू x² का 2x + 3x का 3, और कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो होता है। तो आपको क्या आ गया, dy/dx 2x + 3। आप इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। फिर आपको डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड, फिर क्या करना है आपको, d²y/dx². आप dy/dx करेंगे तो क्या आएगा, d²y/dx² 2x का हो जाएगा 2 और 3 कांस्टेंट है तो 0। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज 0, याद रखना इसको, ये नोट करने वाली बात है। तो आपका आंसर क्या आ गया, d²y/dx² = 2। ये पहले का आंसर है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको फिर समझाता हूँ। इसमें पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, यानी डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं हम आज। क्वेश्चन दिया रहेगा आपको x² + 3x + 2, तो y मान लेना है पहले। let y = x² + 3x + 2। फिर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, फिर आपको dy/dx, आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ मैं। dy/dx x^n का फॉर्मूला होता है, एन सामने आ जाएगा आपका x-1। जैसे एग्जांपल के तौर में देखा जाए, अगर आपको बोल दिया जाए x² का, तो क्या आएगा, 2 सामने आएगा, 2-1 का डिफरेंशिएशन हो गया, हो गया ना। तो आप इससे आपको फॉर्मूला क्या मिलता है, अगर आपके पास कोई भी नंबर हो तो आपको क्या करना है, 3 सामने लिखना है, फिर आपको एक नंबर कम कर देना है 2। अगर x^5 दिया जाएगा किसे देंगे, 5 x^4। तो कुछ इस तरीके से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ 2 है और एक्स है, तो कैसे करेंगे आप इसका, एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, 2 कांस्टेंट 2 एज इट इज़, एक्स का होता है 1। कैसे 1 हुआ, x का पावर क्या है, 1 1-1 0, x^0 0 x^0 1, तो x का वैल्यू क्या है, 1। तो कुछ इस तरीके से आपको ट्रिक समझा दें किस तरीके से सिंप्लीफाइड डिफरेंशिएशन करना है। और बाकी का जितना भी है उसमें आपको फॉर्मूला पुटअप करना पड़ेगा, फॉर्मूला पुटअप ही करना है, एक सॉल्यूशन है। क्योंकि आप अगर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स करना है तो क्या आएगा, डायरेक्ट कॉस एक्स, सिंपली आपको याद होना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो x^20, तो मैं आपको ट्रिक जिस हिसाब से समझाया, तो y = क्या मानना है आपको, x = 20, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको। ये x^20 है, इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं dy/dx, तो क्या आएगा, 20 सामने आएगा, x^19 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए, फिर आप लिखिए यहाँ पास अगेन डिफरेंशिएटिंग लिखिए आप यहाँ पास, यहाँ नीचे जगह नहीं बन रहा तो आप लिख लीजिए अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। फिर आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ dy/dx d² अब dy/dx का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, d²y/dx² = 20 रहेगा, x 19 करेंगे तो क्या आएगा, 19 सामने आएगा और x^18 आ जाएगा, ठीक है। और 19 × 38, तो क्या आएगा, 380 x^18, तो आपका d²y/dx² क्या आ गया, 380 x^18 है ना, x^80 क्या है, 18, ठीक है।
तो ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया। सारे क्वेश्चन जो हैं छोटे छोटे हैं, तो थर्ड क्वेश्चन जो देखते हैं, अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का, तो यहाँ दिया है एक्स कॉस एक्स, तो आपको क्या करना है पहले लेट वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स क्वेश्चन नंबर वन। फिर आप लिखिए यहाँ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन ऑन बोथ साइड। फिर क्या करना है आपको, सिंपली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन एंड टू फॉर्म लगा देना है डिफरेंशिएशन में। एक्स को छोड़ो, कॉस एक्स करेंगे तो क्या आएगा ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स, मतलब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ मैं, बीच में प्लस, कॉस एक्स का हो चुका है तो एक्स का क्या आ जाएगा वन। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, इसका हमने इसे बाद में लिख लिया माइनस टाइम है तो इज इक्वल टू, इसको हमने इक्वेशन नंबर टू दे दिया। इसके बाद क्या करना है आपको, अगेन डिफरेंशिएट करना है क्योंकि हमको डी स्क्वायर वाई क्या हमको फाइंड क्या करना है आपको क्लियर बताता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव मतलब वही होता है। अगेन डिफरेंशिएटिंग एनसीईआरटी में हमको डबल डिफरेंशिएटिव फाइंड करने बोला है, डेरिवेटिव फाइंड करने बोला है, तो आपको हमको ये फाइंड करना है क्वेश्चन टू ऑन बोथ साइड। फिर आप क्या करेंगे, इसका डी वाई बाई डी एक्स का होता है डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स माइनस, इसका वन एंड टू लगाएंगे, एक्स को छोड़ो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स प्लस, सॉरी अब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट माइनस लिखता हूँ मैं क्योंकि देखो ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पास, यहाँ ब्रैकेट लगता फिर माइनस का मल्टीप्लाई करता पॉजिटिव है सभी तो माइनस ही आता, इसलिए माइनस माइनस यहाँ भी माइनस आएगा, साइन एक्स को छोड़ दिए तो एक्स का वन, तो ये साइन साइन कैंसिल, तो आपका आंसर क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स, ये हमारे थर्ड का आंसर हो गया। अब फोर्थ का आंसर देखते हैं हम, फोर्थ का दिया है हमारा लॉग एक्स, तो मैं आपको अब डायरेक्ट बताऊंगा, डिफरेंशिएटिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को, आप समझ गए, आपको हर में क्वेश्चन लिखना है, आप शॉर्टकट नहीं मारेंगे, आप मैं ऐसे कर रहा हूँ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर वे में करना है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ऑन बोथ साइड, आपको हर चीज़ लिखना है एंड अगेन वगैरह वगैरह, इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन टू एज इट इज सब चीज़, ठीक है दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कहाँ क्या लिखना है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, लॉग एक्स आ गया, लेट y इज इक्वल टू, अब लेट लिखिए लेट y इज इक्वल टू लॉग एक्स, उसके बाद क्या करना है आपको, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन, इसको आप इक्वेशन नंबर वन मान लिया मैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स हो गया y का, लॉग एक्स का था फॉर्मूला बच्चों x वन बाई एक्स है ना बेटा, x होता है ना फॉर्मूला, ठीक है आपको मालूम है मुझे मालूम है। अब इसका मतलब फिर से डिफरेंशिएटिंग क्योंकि हमको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे इसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे हम यहाँ पास, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू ऑन बोथ साइड, इसका वन बाय एक्स का क्या होता है माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, ये आपको प्रैक्टिस करने पर आ जाए, कैसे आया ये आपको बताता हूँ, ये एक्स ऊपर गया तो क्या आएगा पावर ऑफ माइनस वन, आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, माइनस वन सामने आता है फिर एक्स माइनस वन और एन माइनस वन होता है ना, एन क्या है हमारा माइनस वन है यहाँ पास एन माइनस वन, तो क्या आया माइनस वन एक्स पावर माइनस टू, फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे माइनस वन एक्स पावर माइनस टू है ना, तो नीचे आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, तो क्या आया वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का, आ गया क्लियर है आपको, हाँ आपको समझ आ गया, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है एक्स क्यूब, क्या लिखा है एक्स क्यूब लॉग एक्स, तो इसमें कैसे करना है आपको, लेट पहले मान लें लेट वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, इसको आप इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए, क्या मानेंगे हम इसको इक्वेशन नंबर वन, फिर आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग, एक बार लिख लेता हूँ आपके लिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन ऑन बोथ साइड। बच्चों आप सभी नोट कीजिए, लिखने से ही हमको याद होता है, लिखने से ही हमको प्रैक्टिस होता है, हमको मैथ्स को तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, मैथ्स लिखे बिना नहीं होता दोस्तों, आप मैथ्स को पढ़िए बेटा, मैथ्स करिए सॉल्व करिए तभी होगा आपका, सर आपके साथ हैं बेटा आप सॉल्व करिए अच्छे से। वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब क्या होगा आप बताइए, एक्स क्यूब कैसे करेंगे हम इसको, वन एंड टू लगाएंगे इसमें, सिंपली सी बात है आप जानते हैं वैसे भी, तो एक्स क्यूब को मैं इस छोड़ देंगे, लॉग एक्स क्या होता है वन बाय एक्स, फिर बीच में प्लस आएगा लॉग एक्स का हो जाएगा डिफरेंस हो चुका है, तो एक्स क्यूब क्या होगा आपको ट्रिक बताया मैं, थ्री सामने आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स कटा एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास, फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं है आपको समझ आ गया होगा मैं मानता हूँ, मैं मान गया कि आपको समझ आ गया, हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम क्या मानेंगे इक्वेशन नंबर टू मान लेंगे, ठीक है गाइज़।
हम इसको इक्वेशन नंबर टू मान लिए। अब आपको फिर से लिखना है, क्या लिखना है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग सीबीएसई का है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन टू ऑन बोथ साइड, टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आप जानते हैं, हमने डी वाई बाई डी एक्स किए तो क्या आया आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है गाइज। फिर एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा टू एक्स प्लस, अब इसमें वन एंड टू लगाना है तो अगर हम थ्री एक्स स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, थ्री कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या बताया था आपको मैं, टू सामने आएगा बीच में डॉट प्रोडक्ट एक्स टू एक्स आ गया, थ्री डॉट मतलब डॉट मतलब मल्टीप्लाई टू एक्स, अब लॉग एक्स एज इट इज़, फिर बीच में प्लस आएगा, अब थ्री एक्स स्क्वायर का तो हो चुका है, लॉग एक्स क्या होता है वन बाई एक्स होता है, वन बाई एक्स 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 कटा एक्स आया यहाँ बस, तो हमारा आंसर क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स, थ्री टू या सिक्स एक्स लॉग एक्स प्लस का प्लस क्या आया यहाँ बस एक्स आया प्लस एक्स और थ्री सामने रहेगा, तो क्या आ गया आपका डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर क्या आया, यहाँ थ्री था एक्स कटा थ्री एक्स हो गया, तो क्या आया आपका फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स लॉग एक्स, ये हमारा आंसर है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप नोट तो करना ही है आपको बेटा, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, आपको क्लियर हो जाएगा हर चीज़ कैसे सॉल्व करना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको पहले बताता हूँ मैं लिखूँगा कुछ भी नहीं, आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके दिखाऊँगा, आपको लिखना लेकिन पूरा बेटा आपको लिखना है, आपको नोट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, आपको बोर्ड में लिखना है तो अभी आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या हो गया ये आपका इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए इसको, फिर आप लिखना है आपको डिफरेंशिएटिंग, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ आप लिखते जाइए, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो स्लो करके देख सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ वाई का होता है डी वाई बाई डी एक्स, अगर हम ई एक्स का करेंगे साइन एक्स को छोड़ देते हैं ई एक्स करते हैं, भले ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है और साइन फाइव एक्स एज इट इज़, अब ई एक्स का हो चुका है तो उसको पहले लिखते हैं, साइन फाइव एक्स का क्या होगा कॉस फाइव एक्स, ठीक है गाइज। अब फाइव एक्स का भी करेंगे बाद में, हम जानते हैं डिफरेंशिएशन का रूल तो फाइव आ जाएगा, ठीक है, फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स साइन फाइव एक्स प्लस प्लस क्या आएगा फाइव सामने आएगा कांस्टेंट, फिर ई एक्स कॉस फाइव एक्स। अगर आपको और शॉर्टकट करना है तो मैं आपको बताता हूँ, इसको जगह हम आप वाई लिख सकते हैं, यहाँ वाई देख रहे हैं आप तो आप यहाँ वाई लिख दीजिए प्लस फाइव ई एक्स कॉस फाइव एक्स। अब यहाँ लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू, ये इक्वेशन टू हो गया डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू ऑन बोथ साइड, तो आपका क्या आएगा डी स्क्वायर इसका करेंगे आप तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का करेंगे तो क्या आएगा डी वाई बाय डी एक्स प्लस इसका करेंगे तो फाइव कॉन्स्टेंट ई एक्स करेंगे तो क्या आएगा ई एक्स कॉस फाइव एज इट इज प्लस, अब फाइव ई एक्स का तो हो चुका है डिफरेंशिएशन, अब कॉस फाइव एक्स करना है तो क्या आएगा बेटा कॉस फाइव एक्स करेंगे तो क्या आएगा बताइए जल्दी बताइए माइनस साइन फाइव एक्स आ गया, आपको भी आ गया होगा समझ, यहाँ मैं धीरे से बताता हूँ आपको, बगल में आप देखते जाइए। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो आपको कैसे करना है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, ये हमारा वैल्यू, इसको पुट अप कर दो यहाँ बस ई एक्स एज इट इज़ पुट कर दो एज इट इज़ फाइव एक्स प्लस फाइव ई एक्स कॉस फाइव एक्स, फिर क्या करना है आपको प्लीज में प्लस आपका ये वाला टर्म पुट कर दो, इसके जगह इसको तो पुट कर दिया हमने, ये वाला टर्म पुट किया, अब इसको पुट करना है फाइव ई एक्स कॉस फाइव एक्स माइनस का माइनस है सामने लिख लिया मैं फाइव ई एक्स साइन फाइव एक्स। इसमें देखने वाली बात ये है हमारे पास कि हमारे पास ये वाला टर्म रिपीटेशन हो गया है, दो बार है टर्म, ये क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन ई की पावर एक्स कॉस फाइव एक्स, ठीक है, और ये वाला एज इट इज़ ई की पावर एक्स साइन फाइव एक्स, बीच में प्लस सॉरी बीच में माइनस लास्ट वाला माइनस आएगा लास्ट में माइनस माइनस फाइव ई की पावर एक्स साइन फाइव एक्स। अगर थोड़ा सा भी आपको कंजेस्टेड हो गया होगा तो आप इसको एडजस्ट करके इस क्वेश्चन को एडजस्ट कर लिया, अगले क्वेश्चन से मैं सही से क्लियरली आपको दिखा दूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आप करते जाइए नोट करते जाइए मेरे साथ, आपको पूरा समझ आएगा। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, ये भी सेम क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ लेट वाई इज इक्वल टू ई की पावर सिक्स एक्स कॉस थ्री एक्स,
इसको आप इक्वेशन नंबर वन दिए, फिर आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन ऑन बोथ साइड। मैं ऐड कर रहा हूँ वाई का करूँगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर सिक्स एक्स, क्या होगा ई की पावर सिक्स एक्स, और सिक्स एक्स करेंगे तो क्या आएगा सिक्स, और कॉस थ्री एक्स एज इट इज। अब ई की पावर सिक्स एक्स का हो चुका है, कॉस थ्री एक्स का होता है माइनस थ्री एक्स, साइन का कॉस का क्या होता है माइनस साइन, कॉस एक्स का डिफरेंस क्या होता है माइनस साइन एक्स, याद कर लीजिए इसको, फॉर्मूला लिख लिए बगल में, और थ्री एक्स करेंगे तो क्या आएगा थ्री। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, क्या आया बच्चों आपका आ गया सिक्स ए की पावर सिक्स एक्स कॉस थ्री एक्स माइनस सामने, आराम से सिंपल करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, उनको कोर्स आराम से कम्प्लीट हो जाएगा आपका ऑनलाइन कोचिंग। अगर आपका प्यार रहेगा तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यहाँ तक आ गया आपका, इसके बाद क्या करना है आपको, ये है सिक्स ई की पावर सिक्स एक्स कॉस थ्री एक्स माइनस थ्री ई की पावर सिक्स एक्स साइन थ्री एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्या करिए आप, अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इसमें आप ई की पावर सिक्स एक्स को कॉमन लीजिए, ई की पावर सिक्स एक्स, फिर क्या बचेगा आपका सिक्स कॉस थ्री एक्स माइनस थ्री साइन थ्री एक्स, ठीक है बच्चों। फिर आप इक्वेशन नंबर टू मान लीजिए इसको, फिर डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन टू ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम डैड कर रहा हूँ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कर लेते हैं हम, पहले इसको वन माना इसको टू माना, इसको करूँगा पहले तो क्या आएगा ई की पावर सिक्स एक्स और सिक्स ब्रैकेट में ये एज इट इज रहेगा सिक्स कॉस थ्री एक्स माइनस थ्री साइन थ्री एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब इसका हो चुका है तो मैं इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ब्रैकेट में इसका करेंगे सिक्स कॉस थ्री एक्स क्या होगा माइनस साइन थ्री एक्स, और थ्री एक्स करूँगा तो क्या आएगा थ्री, फिर बीच में माइनस इसका माइनस थ्री साइन क्या होगा कॉस थ्री एक्स और थ्री एक्स का थ्री। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, दिखता छोटा है पर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, सिक्स कॉस थ्री एक्स, अगर आपका एन सी आर टी में सिंप्लीफाई किए तो आप इस प्रकार से भी आंसर लिख सकते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें, आप जितना सिंप्लीफाई करेंगे इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये सिक्स थ्री जगह क्या हो गया एटीन बीच में माइनस साइन थ्री एक्स थ्री थ्री या नाइन कॉस थ्री एक्स। तो कई बार बच्चे मुझे पूछते हैं कैसे सर इतने में ही छोड़ देंगे तो नंबर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कोई नंबर टीचर काट नहीं सकता आपका, अगर आप और अंदर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो अलग बात है, आप करिए अगर आपके पास टाइम है बोर्ड में तो आप इतने में छोड़ सकते हैं। तो हमारा आंसर आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर एट्थ, क्वेश्चन नंबर एट्थ बहुत सिंपल है, थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा इसमें, पहले लेट इज वाई इज इक्वल टू टेन वर्स एक्स, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर वन दे दीजिए, फिर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन ऑन बोथ साइड लिख लीजिए इसको आप, फिर डी वाई बाई डी एक्स, टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको यही आएगा। आप इसको और ऊपर ले जा लीजिए, वन प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर माइनस वन आ गया। अब आपको अगेन सेकेंड डिफरेंशिएशन करना है तो आप लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू ऑन बोथ साइड, तो मैं डैड कर रहा हूँ तो ये आपका सामने पावर आएगा, फिर ब्रैकेट में वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस वन, एन माइनस वन होता है फॉर्मूला, तो और सिंप्लीफाई किया क्या माइनस वन सामने ब्रैकेट में वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस टू, उसके बाद माइनस वन ये नीचे आ जाएगा तो वन प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में टू आ गया आपका। तो आपका डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, इसको सॉल्व करने का आप टेक्निक जान गए किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये छोटा सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर एट था, ये क्वेश्चन नंबर नाइन था, वो क्या करना है y इज इक्वल टू log log x इक्वेशन नंबर वन, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन ऑन बोथ साइड, उसके बाद आपको करना है dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x का होता है वन बाई एक्स, तो यहाँ log x है तो x का क्या आएगा log x, अब इसका करेंगे तो क्या आएगा वन बाय एक्स, इसको और सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा x log x के पावर में माइनस वन, ठीक है गाइज इतना आ गया आपको समझ। अब क्या करना है आपको, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू ऑन बोथ साइड, तो डी वाई स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना होगा, ये हो जाएगा सामने माइनस वन एक्स लॉग एक्स के पावर में माइनस वन माइनस वन माइनस टू, अब इसका भी करना पड़ेगा तो एक्स को छोड़ो लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स को छोड़ो एक्स का होता है वन,
एक्स कैंसिल, तो आपको क्या आ गया डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन वन अपॉन ये माइनस टू नीचे आ जाएगा एक्स लॉग एक्स, ऊपर में आ गया आपका वन प्लस लॉग एक्स। तो यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9th का। कोई दिक्कत है नहीं है बेटा, आपको आराम से आ जाएगा, सॉल्व करते जाइए बस आराम से आप। क्वेश्चन नंबर 10th, ये क्वेश्चन है हमारा साइन लॉग एक्स। इसमें क्या करना है आपको, सिंपली लेट वाई इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इसके बाद अगर आप लोग को क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, डाइड कर रहा हूँ डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, क्या होता है बेटा कॉस एक्स, लॉग एक्स करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। आपको क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड, लिखते जाइए आप। मैं मानता हूँ कि सारे बच्चे लिख रहे हैं, तो ये एक्स क्या होगा माइनस वन हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, हम पहले सिंप्लीफाई कर लिए, इसको वन एंड टू लगा दो। अगर मैं एक्स माइनस वन को छोड़ता हूँ तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का करना पड़ेगा इसलिए वन बाय एक्स। ठीक है, फिर बीच में प्लस, अब कॉस लॉग एक्स का तो हो चुका है, अब इसका करेंगे तो क्या आएगा बच्चों माइनस वन सामने एक्स माइनस वन माइनस वन माइनस टू, मैं डैड बोल दिया आपको, अब ये भी नीचे आएगा तो क्या हो गया वन बाय एक्स स्क्वायर, एक्स वन बाय एक्स मल्टीप्लाई वन बाय एक्स स्क्वायर सामने माइनस साइन लॉग एक्स, फिर बीच में माइनस ही आएगा, बीच में ये माइनस वन माइनस माइनस टू तो नीचे आएगा माइनस टू तो एक्स स्क्वायर कॉस लॉग एक्स। अब माइनस वन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आपका आ गया साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स। तो इतना सिंपल है आपको सॉल्व करना, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आज हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है गाइस। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 11th जो है, क्वेश्चन नंबर 11th, हाँ यहाँ पहुँच गए हम आज। आज का ये हमारा 11th क्वेश्चन, इसमें क्या किया y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूफ दैट, ये करना है हमको। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 11th, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूफ दैट करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, पहले लेट y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 देना। फिर क्या करना है आपको, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 x cos x, क्या होता है 5 कॉस एक्स कहेंगे तो माइनस साइन एक्स, माइनस 3 साइन एक्स का कॉस एक्स। तो आपका ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो इसको y इज इक्वल टू माइनस 5 है, साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स। ठीक है, माइनस का 3 कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, ये माइनस आएगा, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको दिख रहा होगा y इज इक्वल टू 5 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या करेंगे आप, माइनस कॉमन ले लेंगे, सिंपल माइनस कॉमन लीजिए क्या आएगा 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये वाई हो गया, ये वाई वाला टर्म हो गया। अब यहाँ लिख दिए फॉर्म इक्वेशन 2, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म इधर शिफ्ट कर दिया, वाई इज इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना था हमको, यही प्रूफ करना था ना, आप देख सकते हैं ये देखिए हमको ये प्रूफ करना था। तो अब सिंपल है, एकदम सिंपल है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको, एन सी आर टी का क्वेश्चन नंबर 12 जो है, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई डी एस स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का तरीका, लेट वाई इज इक्वल टू मान लीजिए आप, इक्वेशन नंबर 1 मत दीजिए इसको, आप कॉस इनवर्स है ना, इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या आएगा कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, अब लिखिए डिफरेंशिएटिंग
इक्वेशन वन ऑन बोथ साइड। फटाफट फटाफट बच्चों, टाइम नहीं है, हमको जल्दी कंप्लीट करना है एक पेज में ही। तो कॉस वाई का क्या होता है, माइनस साइन वाई, वाई का होता है डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है गाइस, एक्स का हो जाएगा वन, क्या होगा एक्स का वन हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन वाई आ गया, साइन वाई कर लिए वन, इधर वन हो गया। अब आप करिए एक्स का तो वन हो गया, अब इसका करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलो इसको फिर से हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इक्वेशन टू। डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू ऑन बोथ साइड। तो साइन वाई का हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में, साइन वाई को करेंगे तो क्या आएगा कॉस वाई, और वाई का डी वाई बाय डी एक्स, बीच में प्लस, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स हमने छोड़ दिया, हमने इसका किया डिफरेंशिएशन, क्या आया कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये एज इट इज रहेगा, बीच में प्लस। अब डी वाई बाई, अब किसका हो चुका है, साइन वाई का हो चुका है, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और जाएगा क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब माइनस का मल्टीप्लाई, ये वाले माइनस को शिफ्ट कर दिए जीरो के साइड, तो उधर चले गए, तो आगे कॉस वाई ये दो है, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला टर्म उधर शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस साइन वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको नीचे शिफ्ट कर लीजिए आप, कॉस वाई अपॉन माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यह कॉट वाई माइनस का, अब ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस वन बाय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वन बाय साइन एक्स, वन बाय साइन वाई, ऊपर चले गए तो कॉस वाई, कोसेक वाई, सॉरी कोसेक वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया आपका माइनस का कोसेक वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो क्या आया माइनस 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 का कॉट वाई और कोसेक वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है गाइज, स्टार्टिंग से नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। ठीक है बेटा, तो हमारा क्वेश्चन कहाँ पास है, 13 का वाई इज इक्वल टू 3 कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस 4 साइन एक्स लॉग एक्स, सो दैट एक्स की एक्स स्क्वायर वाई टू, वाई टू मतलब क्या होता है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वन मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। ठीक है गाइज, तो पहले लिखिए गिवन वाई इज इक्वल टू 3 कॉस लॉग एक्स ब्रैकेट में प्लस 4 साइन लॉग एक्स, इसको आप नाम दीजिए इक्वेशन नंबर वन। फिर लिखिए यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन ऑन बोथ साइड, लिखते जाइए बेटा आप। इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस एक्स का होता है माइनस साइन लॉग एक्स, लॉग एक्स का होता है वन बाय एक्स। ठीक है, फिर प्लस बीच में आएगा 4 साइन एक्स का होता है कॉस लॉग एक्स, इसका होता है वन बाय एक्स। ठीक है, फिर इसको आप सिंप्लीफाई करिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा हमारा अंदर 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, अंदर माइनस बचेगा, यहाँ प्लस है, वन बाय एक्स हमने क्या किया कॉमन ले लिया, वन बाय एक्स कॉमन हो चुका है। अब हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई वन, वाई वन इज इक्वल टू वन बाय एक्स ब्रैकेट में माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, अब अगेन डिफरेंशिएट, इसको इक्वेशन नंबर टू दीजिए नाम, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू ऑन बोथ साइड। तो मैं ऐड कर रहा हूँ वाई टू इज इक्वल टू, इसका करेंगे पहले तो क्या आएगा माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट याद रख लीजिए इसका, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कैसे आया है, और इसको एज इट इज रख देना है आपको,
लॉग एक्स प्लस फोर कॉस लॉग एक्स, फिर बीच में क्या करना है आपको, प्लस वन बाय एक्स का हो चुका है, अब इसका अंदर माइनस थ्री है, माइनस थ्री साइन का क्या होता है, कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स करेंगे तो वन बाय एक्स, ठीक है, फिर बीच में प्लस फोर, प्लस नहीं आएगा, कॉस का क्या होता है माइनस, माइनस साइन हो तो डायरेक्ट लिख दिया माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का होता है वन बाय एक्स, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, ये माइनस माइनस प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर थ्री साइन लॉग एक्स, फिर माइनस फोर बाय एक्स स्क्वायर कॉस लॉग एक्स, माइनस का कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ये वन बाय एक्स मल्टीप्लाई वन बाय एक्स, वन बाय एक्स, वन बाय एक्स स्क्वायर फोर साइन लॉग एक्स, ठीक है, ठीक है गाइस, यहाँ तक आ गया आपको समझ। अब आप यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पर सभी के पास एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो हम एक्स स्क्वायर को वहाँ सेट कर लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर वाई टू इज इक्वल टू थ्री साइन लॉग एक्स माइनस फोर कॉस लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स माइनस, यहाँ हमारे पास कैसे कॉस बच बचा, यहाँ अगर हम साइन का करेंगे तो क्या आएगा, थ्री आएगा यहाँ सामने, थ्री वन बाय एक्स को छोड़ दिए माइनस थ्री साइन एक्स, हाँ माइनस थ्री आएगा, तो यहाँ थ्री छूट गया था हमारा, थ्री माइनस थ्री कॉस लॉग एक्स, फिर बीच में माइनस फोर साइन लॉग एक्स, ठीक है गाइस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या है हमारा, वाई इज इक्वल टू थ्री कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस फोर साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है, यही है ना, दिख रहा है ना आपको, ठीक है, तो यहाँ भी हमारा सेम आया है, और हम आप डी वाई बाई डी एक्स देख रहे हैं, यहाँ वन बाई एक्स है, तो हम यहाँ ऊपर नीचे क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई टू, ये हमारा बन गया डी वाई बाई डी एक्स, ये है वन बाय एक्स माइनस थ्री वन बाय एक्स, यहाँ माइनस कॉमन लेना है बस हमको, माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का माइनस एक्स, ये हो गया डी वाई बाय, अरे सॉरी डी वाई बाय डी एक्स क्या लिए थे अपन, वाई वन, और यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ सभी प्लस था, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है दोनों तरफ, तो यहाँ भी माइनस कॉमन लिए तो यहाँ वाई आएगा, ये वाई है जो माइनस कॉमन लिए डायरेक्ट, तो एक्स टू वाई टू यहाँ माइनस है, इधर प्लस हो गया एक्स वाई वन, ये भी वाई इधर आ गया, वाई इज इक्वल टू जीरो, तो हमारा प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था हमको, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं किया हूँ, यहाँ माइनस कॉमन लिया हूँ, यहाँ पास यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस आ गया यहाँ प्लस आ गया, तो यहाँ माइनस ऊपर नीचे एक्स का मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि हमको यहाँ वन बाई एक्स लाना था इसलिए हमने एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, तो बाहर एक्स बचा, ये वाई वन बना लिया हम, इसको क्या बना लिया, वाई वन, ये वाई वन बन गया, वाई वन बन गया हमारा, वाई वन पुट कर दिया माइनस एक्स वाई वन, ये आ गया हमारा, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्टार्टिंग से एक बार मैं आपको स्लो मोशन में दिखा देता हूँ। तो गाइज आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें y इज इक्वल टू ए की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स शो दैट दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहले आप इसको डायरेक्ट प्रूफ करिए, या फिर आप ये सब का वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें पुट करिए और सॉल्व कर दीजिए। तो हम कैसे करेंगे, हम पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर बाद में सेकेंड डिफ्रेंशिएशन करके डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर हम इसमें पुट कर देंगे, हमारा जियो आ गया अगर आंसर, तो हमारा हैंस प्रूफ्ड हो गया, ठीक है गाइज। आपको बुक दिखाने का मतलब ये भी है कि आप सुनते भी जाइए, बुक को पॉज करके नोट भी कर लीजिए, तो आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है यहाँ से। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना, लेट वाई मान लेना है ए की पावर एम एक्स प्लस बी की पावर ई एन एक्स, इसको आप इक्वेशन नंबर वन मानिए, फिर हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एम एक्स एज इट इज़,
और एम एक्स करेंगे तो एम प्लस बी ई की पावर एन एक्स, एन एक्स करेंगे तो एन। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, यह आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर टू दे दीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो क्या आएगा, ए एम ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स, एम एक्स करेंगे तो एम 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 स्क्वायर प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स होता है फॉर्मूला, एन एक्स करेंगे तो एन एन मल्टीप्लाई एन स्क्वायर। इसको आप क्वेश्चन नंबर थ्री दीजिए। फिर आपका जो प्रूफ वाला है इसमें पुट कर देते हैं। क्या है हमारा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाय डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू जीरो। फिर इसकी वैल्यू पुट करना है, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स। क्या है, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई। क्या है हमारा, वाई क्या है, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। ठीक है गाइस, यहाँ तक आ गया आपका। इसके बाद क्या होगा, इज इक्वल टू जीरो लाना है हमको। क्या लाना है, इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम का मल्टीप्लाई कर दो फिर एन का, तो माइनस एम एम स्क्वायर हो जाएगा। ए बाद में लिख देते हैं पावर एम एक्स माइनस बी एम फिर एन ई की पावर एन एक्स फिर माइनस। फिर क्या करना है आपको, एन अब एम का मल्टीप्लाई हो चुका है, अब एन का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एन का। ए एम एन ई की पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स फिर प्लस, यहाँ पास क्या है बाहर में, एम एन वाई था ना, तो एम फिर यहाँ एन आएगा, ये एन है एम एन और ये वाई वाला टर्म। एम एन मतलब ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन की पावर एन एक्स, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, अब ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, सब माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आगे फाइनली जीरो। हमको यही प्रूफ करना था गाइज, हमको यही प्रूफ करना था। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबका वैल्यू पुटअप कर लेना है, जो आपको प्रूफ देट आया सबका वैल्यू इसमें आपको पुट कर लिया हमने और सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई कर दिया बस, और कुछ भी नहीं किया है, आप तो देखे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी दिखा देता हूँ आपको, वाई इज इक्वल टू 500 ए की पावर 7x प्लस 600 ए की पावर माइनस 7x, सो दैट करना है आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, 7 बस मल्टीप्लाई होते जाएगा, बस 49 कॉमन आएगा फिर आंसर आ जाएगा। मुझे मालूम है इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको भी दिखाता हूँ मैं कैसे सॉल्व करना है। ये आपको टॉप में क्वेश्चन दिख रहा होगा, फिर आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना है। फिर आप सिंपली क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, फिर क्या करेंगे आप, dy by dx इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 7, क्यों 7 किया मैं, क्योंकि e की पावर 7x का एज इट इज 7x होता है, e की पावर 7x का e की पावर 7x और 7x करेंगे तो मल्टीप्लाई में 7 आएगा प्लस 600 मल्टीप्लाई माइनस 7 क्योंकि e की पावर माइनस 7x है, तो e की पावर x का तो e की पावर x होता है, मतलब e की पावर माइनस 7x है तो e की पावर माइनस 7x एज इट इज रहेगा और माइनस 7x करेंगे तो माइनस 7 सामने आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए आप। अब हम डिफरेंशिएट अगेन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई ई की पावर 7x करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर 7x और 7x का करेंगे तो क्या आएगा 7 प्लस 600 मल्टीप्लाई माइनस 7 मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस 7x और ई की पावर माइनस 7x का क्या होगा माइनस 7, ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हमने इसका किया डिफरेंशिएशन तो, और डी यहाँ डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर 500 7 मल्टीप्लाई 7 49 ए की पावर 7x
माइनस का यहाँ माइनस माइनस प्लस 600 मल्टीप्लस 77 49 e की पावर से माइनस 7x, फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। 49 को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन, क्या करेंगे कॉमन गाइस, क्या करेंगे हम कॉमन करेंगे। समझ आया बेटा आपको, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49। और ये वाला टर्म जो है आपको दिख रहा है यहाँ पास, ये वाई माने थे हम, ये वाई हो गया, कोई दिक्कत, प्रूफ हो गया ना बेटा आप सभी के लिए, इतने अच्छे से प्रूफ किया मैंने। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इफ ई वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई वन, शो दैट डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है आपको, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आपको प्रूफ करना है इसको, सबसे शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ आपको सॉल्व करने का मैं। ये जो क्वेश्चन है ई वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन, ठीक है यहाँ तक है, ये वाला टर्म जो है इसको नीचे शिफ्ट करो आप, आपको बाकी टीचर ये कोई भी ऐसा सॉल्यूशन आपको नहीं बताएगा ना, एक्स प्लस वन ये आ गया। अब यहाँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लीजिए आप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है गाइज, फिर क्या हो गया लॉग ई वाई इज इक्वल टू लॉग वन बाय एक्स प्लस वन, ठीक है इतना आगे समझ। अब लॉग लॉग ई वाई ई लॉग ही कैंसिल हो जाता है तो बचता है आपका वाई, वाई इज इक्वल टू आपके लॉग वन बाय एक्स प्लस वन, ठीक है इसको अब इक्वेशन नंबर वन मान लो। अब करते हैं डिफरेंशिएटिंग, सिंपली डिफरेंस जैसे करते हैं हम, आपका ये डिफरेंस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स का तो वन बाय एक्स, तो इसका वन अपॉन वन बाय एक्स प्लस वन, मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो क्या आएगा माइनस का वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट है आपको, वन बाय एक्स का होता है माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, उसी प्रकार से वन बाय एक्स प्लस वन है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, डायरेक्ट है आपको याद कर लेना फॉर्मूला। वन बाय एक्स का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, उसी तरीके से ये भी है, ठीक है गाइस। डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका, ये एक्स ऊपर चले जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, सामने माइनस, ये कैंसिल तो क्या आ गया एक्स प्लस वन, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, नोट डाउन कर लीजिए ना गाइज, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स प्लस वन, ठीक है यहाँ तो समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, डी स्क्वायर वाई बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये वो इसका बताया था वो क्या होता है इसका, सिंपली से क्या होता है वन बाय एक्स क्या होता है माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, ठीक है। फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ तक आगे समझ आपको आ गया होगा, डेफिनेटली आ गया होगा। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था, इसमें क्या, इसमें क्या करेंगे आप, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, मान लो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको स्क्वायरिंग कर देंगे यहाँ भी तो ये क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा ना, अब आगे समझ आएगा ना, इसीलिए मैं यहाँ डायरेक्ट डालता ना अगर यहाँ पास तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैं आपको समझा दिया, और मैं डायरेक्ट डालूँगा तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगा मेरे ख्याल से, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है यही प्रूफ करना था हमको, यही प्रूफ करना था ना, बस ये हमारा प्रूफ हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम पूरे जोश के साथ, हाउ इज़ द जोश, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन आज का, जो दिखाया हूँ तो आप नोट कर लीजिए, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखाऊंगा, खैर मेरे भी क्वेश्चन लिखे रहेगा, इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। चलो मैं मानता हूँ कि आप क्वेश्चन लिख चुके हैं, तो मैं ये क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा इज इक्वल टू टू है लास्ट में, आपको सॉल्व क्या करना है, वाई इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, लेट करके आप इसको इक्वेशन नंबर वन मानिए, फिर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब वाई को वाई वन लिख सकते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो टू सामने आएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे टू सामने टेन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है ये आ गया आपके पास। तो वाई वन क्या आया, टू
टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अभी क्वेश्चन नंबर टू मानिए। फिर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू ऑन बोथ साइड, तो वाई टू इज इक्वल टू वन एंड टू लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये नीचे का छोड़ देते हैं अपन, डिनोमिनेटर को छोड़ दो, ऊपर का करेंगे तो क्या आएगा, टू वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा, टू टेन इनवर्स को छोड़ दो आप, इसका करेंगे तो ये आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, टू एक्स, यही आएगा ना, इसका करेंगे तो डिफ्रेंशिएट यही आएगा, अपॉन में एक्स वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये वाले टर्म को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो मैं एक्स स्क्वायर को पहले लिख लूँ, बिल्कुल लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर वाई टू इज इक्वल टू क्या आया, ये एक ये कैंसिल हो गया, तो टू माइनस फोर एक्स टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ देख रहे हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर वाई टू इज इक्वल टू टू माइनस, यहाँ वो कमी क्या चीज़ का लग रहा है, आप देखिए ध्यान से, यहाँ हमारा जो आया है टू टेन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ टू भी है हमारे पास, एक्स तो एक्स्ट्रा है हमारे पास, इसके हिसाब से देखा जाए तो टेन इनवर्स भी है, तो हम क्या करते हैं टू टेन इनवर्स लिख लिए, ऊपर नीचे क्या करते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लिए। अब यहाँ बस क्या बचा, और यहाँ टू ले लिए हम यहाँ से, तो यहाँ हमारा टू बच गया, एक ठो एक टू बचा हमारा बस, एक टू बच गया और एक्स बच गया, और ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, फॉर्मूला एस, इस तरीके से बनाना है गाइज, समझ आया आपको, ये क्या हो जाएगा हमारा वाई वन और ये टू एक्स सामने, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको और अच्छे से लिखा जाए तो वाई टू इज इक्वल टू टू माइनस टू एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन फिर वाई वन, अब ये माइनस में है इसको इधर शिफ्ट कर लो गाइस, एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई टू प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई वन इज इक्वल टू टू, हमारा प्रूफ हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को आपको मैं स्टार्टिंग में बताया था आपको स्किप नहीं करना है, आपको पूरा समझना है, मेरे साथ चलना है आपको, तो ये रहा मेरा, कंप्लीट कर दिया मैंने आपका आज का टारगेट को पूरे जोश और जुनून के साथ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर आपके लिए सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वन प्लस एक्स स्क्वायर ऑन न्यूमरेटर ऑन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाता है ये आज का एक्सरसाइज 5.7। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक ठोकना ना भूलिएगा प्लीज़।